हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू प्रियाज नेस्ट। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं सेम ब्रांड्स के दो डायपर्स को कंपेयर करने जा रही हूँ, और दोनों ही डायपर्स मैंने काफ़ी टाइम के लिए यूज़ किया है, मोर देन 6 मंथ मे बी। तो नाउ आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं इसका एक जेन्युइन और ऑनेस्ट फीडबैक दे सकती हूँ। मैं इसमें सारे इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो भी यू नो लाइक दोनों डायपर्स कैसे हैं, दोनों की क्वालिटी क्या है, दोनों की प्राइस क्या है, और कौन सा जो डायपर है मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों डायपर्स यूज़ करके, और आपको कौन सा डायपर जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि सेम ब्रांड्स का है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत बार। तो मेरे जो इस वीडियो से है आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा डायपर जो है वो चूज करना चाहिए आपको। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो देख रहे हो नहीं सब्सक्राइब किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस डायपर्स की बात कर रही हूँ वो है पैम्पर्स, और जिस दो डायपर्स की मैं बात कर रही थी वो है ये डायपर्स, आप देख सकते हो। तो ये जो है ये नॉर्मल पैम्पर्स डायपर है, और ये जो है ये है पैम्पर्स प्रीमियम पैंट्स। तो ये नॉर्मल वाले पैंट्स हैं और ये प्रीमियम पैंट्स हैं। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल वाला पैंट्स है वो उसकी बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है ये फ्रंट पार्ट है और ये जो है ये बैक पार्ट है। तो ये जो है ना ये मैंने यूज किया जब मेरी बेबी 7 kg से बिलो थी, उस टाइम मैंने यूज किया था, तो उसके लिए काफी कंफर्टेबल था। मुझे ये मीडियम साइज के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा छोटा लगता है, अदर ब्रांड को अगर आप देखो ना तो उसके कंपैरिजन में ये छोटा लगता है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, और इसकी पैकेजिंग ऐसी है, इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है। जिन्होंने यूज किया होगा वो रिलेट कर सकते हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम यूज करने की सोच रहे हैं आप देख लीजिए। वैसे मैं इस दोनों डायपर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो इसकी बाकी क्वालिटी पे हम आते हैं। तो ये जो पैंट है आप इसका वेस्ट बैंड देख सकते हो, ये कंफर्टेबल है, काफी कंफर्टेबल है, और ये मैंने काफी टाइम के लिए यूज किया है अपनी बेबी के लिए। और ये उस टाइम पे मैंने अगेन बोल रही हूँ कि मेरी बेबी जो थी वो बिलो 7 kg की थी, उस टाइम पे मैंने यूज किया था। बट अगर मेरी बेबी जैसे अभी अगर मीडियम साइज पैंट यूज कर रही है तो ये उसके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, लार्ज लेना होगा। आई डोंट नो आप लोग यूज कर रहे हो तो यू माइट बी फीलिंग द सेम थिंग, या बहुत लोग को मे बी ना लगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ। इसकी बाकी सारी क्वालिटी की बात करते हैं। ये एलोवेरा के रिचनेस के साथ आता है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने अपनी क्वालिटी में मेंशन किया है, ये एलोवेरा के साथ आता है। और इसकी जो स्मेल है ना उतनी ज्यादा स्मेल नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, बहुत ही माइल्ड स्मेल है, तो काफी सूदिंग इफेक्ट देता है बेबी को। और ये मैंने जब यूज किया था ना अपनी बेबी के लिए तो कोई भी किसी भी टाइप का रैशेस नहीं आए थे मेरे बेबी को, कि मैं जो ट्रैवल करती हूँ तो उस टाइम पे मैं डिस्पोजेबल डायपर ही यूज करती हूँ अपनी बेबी के लिए, और घर में मैं जो क्लॉथ डायपर होता है वो यूज करती हूँ। तो ये जो एलोवेरा के साथ आता है ना ये बहुत ही पॉजिटिव इसका इसकी क्वालिटी है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मैं बोल सकती हूँ बच्चे के लिए, क्योंकि ये उसके स्किन को ना सूदिंग इफेक्ट देगी और सही से रखती है रैशेज वगैरह, ये सब रैशेज फ्री रखेगी। दूसरी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये काफी लाइट है, ये बहुत लाइट है, सीरियसली बहुत लाइट है, एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड जैसे मैं बेबी हग यूज कर रही हूँ तो उसके कंपेरिजन में ये काफी काफी ज्यादा लाइट है। तो बेबी हग जो है वो लंबे टाइम के लिए यूज किया जाता है, उस डायपर को वो अप टू 12 hours यूज किया जाता है। ये जो डायपर है ये आप 2 से 3 घंटा, अगर बेबी आपका 2 से 3 बार अगर पी करता है ना तो उसके बाद आपको ये डिस्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। अब आपके बेबी पे डिपेंड करता है, अगर आपका बेबी जो है हो सकता है कि एक घंटे में 2 बार पी करे या 3 बार पी कर दे, या हो सकता है कि 3 घंटे में 3 बार पी करे, इसलिए लाइट है, बहुत लाइट है क्योंकि ये बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें एयर चैनल्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये बेबी जब ये पहनता है तो एयर का जो सर्कुलेशन होता है ना वो बहुत अच्छे से होता है इसमें, क्योंकि काफी लाइट और काफी ब्रीदेबल है, कि इससे ये भी एक कारण है कि जो ड्राइनेस होता है बरकरार रहता है इसमें, और बेबी को जो रैशेज और ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो नहीं होंगे। तो यही थे इसकी क्वालिटी। तो अब आते हैं हम जो प्रीमियम पैंट्स हैं उस पे आते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो है
इसके कंपैरिजन में थोड़ा लंबा है। जैसे मैं यहाँ से अगर कंपेयर करूँ, यहाँ पे आप अगर सेम लेवल पे देखते हो ना, तो नीचे थोड़ा सा आप देख सकते हो कितना लंबा है ये। तो इसलिए ये मीडियम पैंट जो है वो आप आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला अगर आप यूज करने की सोच रहे हैं, अगर आपका बच्चा अगर मीडियम साइज डायपर यूज करता है, देन गो फॉर लार्ज वन। ये मुझे लगता है ऐसा, पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ है। और बट ये वाला परफेक्ट साइज है, काफी लंबा है, और ये छू के ही बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये इसकी क्वालिटी में ही मेंशन है कि इसमें जो है वो कॉटन लाइक गुडनेस है, कॉटन जैसा फील होता है। और आप अगर छूओगे ना इसको, तो वो लगता है कि आप जैसे रुई को ही छू रहे हो। तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये जो है आप ये छू के ही आपको लगता है कि ये ऊपर जो है ना ये प्लास्टिक वाली फीलिंग आती है, लेकिन जब ये वाला आप यूज करते हो ना, ये छूते हो, तो ये वाला जो छू के ही लगता है जैसे कि रुई है। ये बाकी दूसरी क्वालिटी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो, अगेन इसका जो वेस्ट बैंड है, ये फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इसके कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे अगर ये बेबी पहनता है ना, तो मुझे लगता नहीं है कि उसे लगता भी होगा कि वो कुछ पहना, वो पहन के रखा है। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी जो इसकी क्वालिटी है कि इसमें जो है ना, ये आप देख सकते हो, ये जो टेप है ना, तो इसको डिस्पोजेबल टेप बोलते हैं। ये टेप के साथ आता है। जब भी आपको, जब आपको इसको, इस डायपर को डिस्पोज करना है, तो उस टाइम पे आपको ये वाला जो है टेप, ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे रहता है, यहाँ पे एक एक लाइन आप देख सकते हो, तो ये वाला पकड़ के आपको खींचना पड़ता है, खींच के, और ये यहां तक पहुंच जाता है। एंड देन यू नीड टू रोल इट लाइक दिस, और जो टेप निकलता है ना, उसको यहाँ पे आपको फिक्स करके, एंड दैट्स हाउ यू कैन डिस्पोज इट। तो इसलिए इसको डिस्पोजेबल टेप बोलते हैं। इसको आराम से इस तरह से आप डिस्पोज कर सकते हो। ये वाला जो है ये आप रोल नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही डिस्पोज करना पड़ता है। आप इसको रोल करके, क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं रहता, लेकिन इसमें जो है वो टेप आता है, तो टेप के सपोर्ट से आप इसको इस ढंग से डिस्पोज कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी क्वालिटी है, ये है कि ये एक वेटनेस इंडिकेटर के साथ आती है। आप ये लाइनिंग देख रहे हो, जो लाइनिंग है ये वेटनेस को इंडिकेट करती है। ये डायपर जब हैवी हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे जो ये येलो लाइन है ना, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कि अभी इट्स टाइम टू चेंज योर बेबीज डायपर। तो ये जो है वो इस इंडिकेटर के साथ आता है। तो एक ये डिफरेंस है इस दोनों में। और तीस जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कंफर्टनेस का, कि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और एकदम कॉटन जैसी फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा। अंदर भी अगर आप यहाँ पे आप अंदर भी छूओगे ना, बहुत सॉफ्ट है। ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ये भी एलोवेरा के साथ आता है, ये भी एलोवेरा के साथ आता है, दोनों ही एलोवेरा के साथ आता है। स्मेल है, स्मेल बिल्कुल सिमिलर है, एकदम माइल्ड स्मेल है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा स्मेल, स्मेल एकदम नहीं है। लेकिन एलोवेरा के गुडनेस के साथ आता है, तो इससे भी रैशेस बिल्कुल नहीं आएंगे। और मेरे बच्चे ने तो यूज किया है, तो उसे उसे इस दोनों ही डायपर्स में किसी से भी रैशेस नहीं आए हैं। अगेन इसमें जो है, इसमें भी एयर चैनल दिया गया है, डायपर बच्चे ने पहन के रखा है, तो एयर जो है वो बहुत इजिली सर्कुलेट होता है, इसलिए ये ब्रीदेबल है। कि अगर बच्चे ने अगर पी भी कर दिया ना, तो बहुत इजीली ड्राई हो जाता है, जो वेटनेस होता है ना वो बच्चे को फील नहीं होने देता है। तो ये दोनों की क्वालिटी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो दो तीन डिफरेंस था वो तो यही मैंने बताया, कंफर्ट वाइज थोड़ा डिफरेंस तो है, और दूसरा मैंने बता दिया कि ये इंडिकेटर के साथ आता है, ये इंडिकेटर के साथ नहीं आता। इसमें जो है ये एक टेप के साथ आता है, डिस्पोजेबल टेप के साथ आता है, और ये जो है ये डिस्पोजेबल टेप के साथ नहीं आता है, विच डजन एक्चुअली मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता डिस्पोजेबल टेप के लिए। आई डोंट थिंक ये एक अंतर का पॉइंट होना चाहिए। दोनों ही डे डाइपिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जो है ये भी गीला हो जाता है 2 से 3 बार अगर आपका बच्चा पी करता है ना, उसके बाद आपको इसे डिस्पोज करना पड़ेगा। तो जो दोनों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो मुझे सेम लगी है दोनों। मुझे ये नहीं लगा कि जो ये प्रीमियम पैंट से ये इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, दोनों की सेम है। अगर आपके बेबी की स्किन जो है वो सेंसिटिव है, देन गो फॉर इट, गो फॉर प्रीमियम पैंट्स, कभी उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप पहले ये भी यूज कर सकते हो सकता है कि इससे भी प्रॉब्लम ना हो, बट अगर इससे भी प्रॉब्लम होती है, देन गो फॉर प्रीमियम वन, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पैंट है। तो मैं इसको वैसे ओकेशनली ही यूज करती हूँ ट्रैवल टाइम के लिए, बहुत स्लीक है,
दोनों ही लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, बट ये जो है ना ये ज्यादा मुझे लाइट लगा इसके कंपैरिजन में, ये थोड़ा ज्यादा लाइट है, बट ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं ट्रैवल टाइम पे ये वाला अपने बेबी को पहनाना प्रेफर करती हूँ। तो ये इसकी क्वालिटी थी। अब हम इसके प्राइस पे आ जाते हैं। प्राइस जो है वो प्रीमियम पैंट्स का, ये मैं एमआरपी आपको बताऊंगी, डिस्काउंट में आपको, आप डिस्काउंट चेक कर सकते हो, डिस्काउंट आपको इजिली अमेजोन पे मिल जाएगा और काफी अच्छे प्राइस पे भी मिल जाता है, लेकिन मैं आपको एमआरपी बताऊंगी क्योंकि जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। एमआरपी जो है इसकी, ये 22 पैंट्स है और ये आया है 399 रुपीज में, तो ये एक डायपर की जो प्राइस है वो 18 रुपीज समथिंग में आया है, बट मैं 18 रुपीज आपको बताऊंगी, एक डायपर की जो प्राइस है वो 18 रुपीज है। और ये वाली जो डायपर है, तो ये वाला डायपर जो है वो 76 पैंट्स है और ये कुछ अराउंड 1050 रुपीज इसकी एमआरपी है, तो एक डायपर जो है वो 13 रुपीज में आता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आपकी बेबी की जो स्किन है वो सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा रैशेस आ रहे हैं, तो आप जो ये प्रीमियम वाला पैंट है ना, आप ये यूज कर सकते हो फॉर सम टाइम। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप छोटे बच्चे के लिए ये वाला यूज कर सकते हो। थोड़े बड़े अगर बच्चे हो जाते हैं उसके बाद आप ये वाला यूज कर सकते हो, या आप ये यूज करके देख सकते हो, अगर इससे अगर आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा है देन गो फॉर दिस वन। ये बहुत ही बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि प्रीमियम पैंट से प्राइस डिफरेंस तो आपको देख ही रहा है, लेकिन अगर आपका बेबी बिल्कुल फिट है और बाकी सारे ब्रांड्स का भी आप पहना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, या अगर रैशेस आ रहे हैं बाकी सारे ब्रांड्स के डायपर से, तो आप ये डायपर आप एक बार पहना के देख सकते हो। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है मेरी बेबी को, तो आपके बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। डायपर्स ये सब पे जो है ना वो सेल और जो डिस्काउंट है वो मिलता रहता है, तो वो आपको चेक करने की जरूरत है। आप चेक करते रहिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी एग्जैक्टली इस दोनों प्रोडक्ट का, आपको जब सही लगता है आप इसे ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। मैंने तो दोनों ही यूज किया है, बट ये मैं ट्रैवल टाइम के लिए यूज की हूँ, ये मैं घर में भी यूज की हूँ, जरूरत पड़ जाए तो ये वाला मैंने यूज किया है घर पे भी, कभी कभी बाहर के लिए भी यूज किया है, बट ये मैं मोस्टली बाहर के लिए यूज करती हूँ, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े तो मैं ये घर में यूज नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है। तो यही मेन कंपैरिजन था इस दोनों का, मैंने जो भी इसकी क्वालिटी थी, प्राइस थी, सारा डिटेल्स मैंने दे दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। बाय।